हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स के बारे में, जिसका क्वार्टर रिजल्ट लगा। सबको एक्सपेक्टेशन था कि आज अपर सर्किट में क्लोज होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जयप्रकाश पावर में अपर सर्किट क्यों नहीं लगा? आज ये क्लोज हुआ 8 रुपीज़ 33 पैसे में, 52 वीक हाई था 11 रुपीज़ 20 पैसा, और इसका क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत शानदार आया है। इसका पी हो गया है अभी ओनली 16 का, एंड ईपीएस है 0.50 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। तो जून 2021 में रेवेन्यू था 915 करोड़ रुपीज़, 915 करोड़ रुपये। मार्च 2022 में रेवेन्यू था 1400 करोड़, और अभी जून 2022 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया है 1800 करोड़। तो काफ़ी अच्छा जंप है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 2021 में प्रॉफिट था 4 करोड़, मार्च 2022 में लॉस था 2 करोड़ का, और अभी जून 2022 में प्रॉफिट आया है 242 करोड़ का, जो कि शानदार प्रॉफिट है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी अच्छा है। तो सवाल ऐसा है कि जब रिजल्ट इतना अच्छा है जेपी पावर का, तो फिर इतना चला क्यों नहीं, आज भी ऊपर जाके नीचे क्यों आ गया? तो सिंपल रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ऑलरेडी 6.5 6 रुपीज़ 50 पैसे से ये शेयर लगातार ऊपर ऊपर गया, 8 रुपीज़ 50 पैसा तक गया। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका था, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने वाला है, क्योंकि सभी पावर कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। वो एंटिसिपेशन पे ऑलरेडी ये शेयर भाग चुका था बहुत ज़्यादा, इसीलिए काफ़ी लोग आज फंस गए होंगे हाई रेट में लेके, ये सोचकर कि आज तो अपर सर्किट में लगेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, और अभी ओनली 2% के पॉजिटिविटी में क्लोज हुआ है जेपी पावर का शेयर, जबकि रिजल्ट इतना शानदार है। क्योंकि ऑलरेडी ये 6 रुपीज़ 50 पैसे से 8 रुपीज़ 50 पैसे तक का रनअप दिखा चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय था, क्योंकि पहले ही बहुत भाग जाने वाला शेयर क्वार्टर और रिजल्ट के पहले का शेयर, बाद में थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और मार्केट का भी कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट लगातार फ्लैट ही जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करता है पर नीचे आ जाता है, वो डर के मारे भी जेपी पावर में अभी गिरावट देखने को मिली। आज अपर सर्किट नहीं लगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी 2-3 महीने में शेयर रिटर्न जब भी मार्केट चलेगा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट शानदार आ रहा है और कंपनी का डेट भी लगातार घट रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा, थोड़े बहुत शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी मार्केट चलेगा तो ये शेयर तेज़ी दिखाएगा, बट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका होने के कारण बहुत अभी इसमें तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी आएगी ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट टू कोई मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए जेपी पावर के बारे में या पावर इंडस्ट्री के बारे में। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पावर के सभी शेयर का स्टॉक रिजल्ट अच्छा आया, पर सभी शेयर अभी स्लो चल रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर है कि रिसेशन आएगा तो पावर का कंजप्शन कम हो जाएगा, तो अगले क्वार्टर में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये डर के मारे भी पावर के शेयर थोड़े स्लो चल रहे हैं, देखते हैं कल क्या होता है जेपी पावर में। बट ओवरऑल जो आज इतना अपर सर्किट क्यों नहीं लगा, उसका रीज़न मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा। थैंक यू फ्रेंड्स।